इज पावर। और आज का हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS। अधिकतर स्टूडेंट्स लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है और इसमें बस दोस्तों यू विल हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, इसका जो बेसिक्स है हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो लेट अस सी, तो सबसे पहले क्या होता है BRS, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है विच मैचेस द बैलेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक, जो कि कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंस है उसको आपस में क्या करता है, मिला लेता है। ज्यादा क्लियरली अगर बोला जाए तो इट मैचेस द बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक with that of passbook। ठीक है, तो कैशबुक का बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। सिंगल कॉलम कैशबुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, लेकिन डबल कॉलम कैशबुक में कैश कॉलम भी होता है, साथ साथ में बैंक कॉलम भी होता है। तो हम लोग बैंक कॉलम का जो भी बैलेंस रहेगा उसके साथ पासबुक का बैलेंस को हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अच्छा, कैशबुक और पासबुक क्या होता है? देखिए, कैशबुक तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए खुद मेंटेन करता है। ठीक है, जो भी वो ट्रांजैक्शंस करेगा कैश में या चेक के जरिए, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सारे चीजें उसको कैशबुक में रिकॉर्ड करना होगा अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो। ठीक है, कैश वाले जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश वाले कॉलम में चला जाएगा, लेकिन जितना भी ट्रांजेक्शन वो बैंक के साथ करता होगा वो सारे ट्रांजेक्शन वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, बैंक कॉलम होगा, कैशबुक में इसको रिकॉर्ड करेगा। इसके पहले हम लोग कैशबुक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो कैशबुक चैप्टर में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से कैशबुक को बनाया जाता है बिजनेसमैन के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखते हैं कि पासबुक क्या है। इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह में चैप्टर में ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है पासबुक। तो पासबुक इज अ बुक विच शोज ऑल ट्रांजेक्शन दैट हैपेंड बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। ठीक है, तो पासबुक एक ऐसा बुक है जो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कस्टमर और बैंक के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, देखिए कैशबुक में भी बैंक के साथ कस्टमर का लेन देन को कैशबुक में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पासबुक में भी कैशबुक कस्टमर के साथ जितना भी बैंक का लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कैशबुक और पासबुक दोनों सिमिलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर सिमिलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता होगा, एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता होगा, चाहे वो कैशबुक में हो चाहे वो पासबुक में हो, तो दोनों का बैलेंस तो सेम होना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5,000 रुपया दिया, तो आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये पेमेंट है, पेमेंट मेड, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, ये रिसीव, अमाउंट रिसीव। तो अमाउंट तो अमाउंट वाइज तो सेम होगा ना, मैंने 5,000 दिया तो मेरा 5,000 घट गया, आपको 5,000 मिला तो आपका 5,000 बढ़ गया, बस इतना ही डिफरेंस है ना। लेकिन चीज तो अमाउंट वाइज सेम टू सेम होगा, 5,000 मेरे से गया तो 5,000 आपको मिला। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, कैशबुक और पासबुक दोनों का बैलेंसेस यहाँ पे मैच करना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो कस्टमर कैशबुक में उसको दिखा रहा है और बैंक अपने सहूलियत के लिए पासबुक में सेम टू सेम ट्रांजेक्शंस को शो कर रहा है। तो दोनों का बैलेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेरियस रीजंस यहाँ पे दोनों का दोनों ये मैच नहीं करता है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कैसे इन दोनों बैलेंसेस को मैच कराया जाना चाहिए। समझ आ रहा है? आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, मैं लिखवा भी दूंगा इसको। तो थर्ड पॉइंट, दीज इंक्लूड पॉइंट नंबर ए, तो किस तरह के ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो उसका एक छोटा सा झलक आप लोग देख लीजिए। तो दीज इंक्लूड कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर बैंक में जो पैसा जाकर के जमा किया तो डेफिनेटली ये कैशबुक में भी रिकॉर्डेड होगा और पासबुक में तो रिकॉर्डेड होगा ही होगा। इसके बाद कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से जो पैसा आपने निकाल लिया वो भी रिकॉर्डेड होगा पासबुक में। इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, बैंक ने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया वो भी रिकॉर्डेड होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए। ये अकाउंट मेनली तीन तरह के होते हैं,
एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट और एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पेज द हाइएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट पेज मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट करंट अकाउंट डजंट पे एनी इंटरेस्ट. ठीक है, उसमें कोई इंटरेस्ट जनरली नहीं मिलता है करंट खाते में. ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए बनता है जनरली. ठीक है, आपके और मेरे लिए जनरली हम लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा रखते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा कमाने के लिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा रखते हैं. लेकिन बिजनेसमैन को रेगुलर बेसिस पे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन करना रहता है, इसी के लिए बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट खाता खुलवाता है बैंक में जाकर. बैंक इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलता है, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसा फैसिलिटी होता है जो बिजनेसमैन को जितना अकाउंट में उसका पैसा जमा है उससे ज्यादा पैसा निकालने में मदद करता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 रुपए आपके करंट खाते में जमा है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे टोटल 15,000 रुपया बैंक से निकाल सकते हो. 5,000 रुपया आपका अपना पैसा और 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट वाला पैसा, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 15,000 रुपया आप बैंक से निकाल सकते हो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है, ये एक तरह का क्रेडिट फैसिलिटी है. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट, इट इज अ टाइप ऑफ यू कैन से इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन दैट द बैंक गिव्स टू द बिजनेसमैन कंज्यूमर हु कैन नाउ डू हिज बिजनेस वेरी वेरी स्मूथली. बट ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर लोन, इस इंटरेस्ट इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, मतलब आपसे इंटरेस्ट ले लेगा. लेकिन अगर सेविंग्स खाते वाते में जैसे आपको पैसा जमा रहता है तो वहां पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो वे ये वैसा नहीं है. इंटर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने पर आपको उल्टे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है. इसके बाद यहाँ पे देखिए कैश विद्रॉन, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक एटसेट्रा. अच्छा, पासबुक इज ऑलवेज मेंटेन बाय द बैंक. ठीक है, पासबुक जो है ये ऑलवेज मेंटेन कौन करता है, ये बैंक मेंटेन करता है. यानी कि इसमें से जितने भी एंट्रीज आप लोग देख रहे हो, ऑल दोज एंट्रीज आर मेड बाय द बैंक. हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं और ऑर्डिनरी कंज्यूमर पासबुक में कुछ नहीं लिखता है, सारा चीज लिखा पड़ी जो भी करना है वो बैंक करता है. इसके बाद देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा पासबुक का एक छोटा सा फॉर्मेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ अ स्मॉल फॉर्मेट ऑफ पासबुक. यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक सबसे पहले रहेगा पासबुक में, कि कौन सा बैंक का, बैंक में आप खाता खुलवाए हो उसका नाम, कस्टमर का नाम यानी कि आपका नाम, अकाउंट नंबर आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो रहेगा. ठीक है, और उसके बाद करंट अकाउंट, जनरली ये करंट अकाउंट होता है मेड फॉर द बिजनेस. तो देखिए किस तरह का होता है, एक तरफ रहता है डेट्स, तो ये जिस जिस तारीख को आप ट्रांजैक्शन करते जाओगे बैंक डेट कॉलम में इसको प्रिंट करता चला जाएगा, ये सारा चीज आपको प्रिंटेड मिल जाएगा बैंक स्टेटमेंट. इसके बाद आपको पर्टिकुलर्स में क्या आपने किया था, किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में डिटेल देता है, जैसे अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कैश यानी कि कैश में पैसा जमा हुआ, अमाउंट विदड्रॉन, ठीक है, जो पैसा आपने विदड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो ये सारा चीज, तो डिपॉजिट्स वाले कॉलम में, अच्छा बैंक डिपॉजिट्स वाले कॉलम को क्रेडिट करेगा, क्यों, क्योंकि बैंक के लिए डिपॉजिट करना मतलब ये एक तरह का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, दैट इज व्हाई यहाँ पे क्रेडिट करता है. विथड्रॉवल मतलब बैंक देख रहा है कि कस्टमर पैसा निकाल ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी उसका कम हो जाएगा, तो इसीलिए विथड्रॉवल को वो डेबिट करेगा और डिपॉजिट्स को वो क्रेडिट करेगा. तो डिपॉजिट्स मान लिए 5,000 रुपीज हुआ, तो यहाँ पे 5,000 लिख दीजिएगा, बैलेंस यहाँ पे 5,000 रुपीज रहेगा. विथड्रॉल हो गया 1,000 रुपीज ऑन 10th of May, तो 5,000 में से 1,000 घट गया, तो अब बैंक को आपको कितना लौटाना है, 4,000 रुपया लौटाना है, तो इसको हम लोग 4,000 रुपीज क्रेडिट क्रेडिट से लिखते हैं. क्रेडिट बैंक क्रेडिट, ये बैलेंस ये शो करता है कि बैंक के लिए इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, बैंक हैज टू रीपे यू द मनी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. हाँ दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो. अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक. देखिए कैशबुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट करता ही क्यों है, क्यों दोनों एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है. इसके पीछे का देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, यहाँ पे दो मेजर कारण है इसका डिफरेंसेस के पीछे. सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, और दूसरा कारण है एरर्स. मैं एरर्स लिखा नहीं हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर बी इज एरर्स. एरर्स मतलब होता है गलती, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, और इसके बारे में एरर्स के बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे.
अभी हम लोग टाइमिंग डिफरेंस को बढ़िया से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस है जिसमें क्या होता है, कैशबुक में आप पहले एंट्री कर लेते हो, पासबुक में बाद में एंट्री करते हो, या पासबुक में पहले एंट्री कर लेते हो, कैशबुक में बाद में एंट्री करते हो। तो जब तक कैशबुक में एंट्री हो चुका है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द कैशबुक बैलेंस एंड द पासबुक बैलेंस। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। या पासबुक में एंट्री हो गया है कोई ट्रांजैक्शन का, ऐसा भी हो सकता है कि पासबुक में पहले एंट्री हो गया, कैशबुक में देरी से एंट्री हुआ, तो क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द बैलेंस एज पर पासबुक एंड द बैलेंस एज पर कैशबुक। ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द टाइमिंग डिफरेंस। मतलब अलग अलग डेट में एंट्रीज करने के वजह से ये डिफरेंस पैदा यहाँ पे हो रहा है। तो आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस विच अराइजेस बिकॉज ऑफ अर्ली रिकॉर्डिंग। अर्ली रिकॉर्डिंग मतलब जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करना, और लेट रिकॉर्डिंग, लेट रिकॉर्डिंग मतलब बाद में रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। लेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक वेन कंपेयर टू द पासबुक एंड वाइस वर्सा, यानी कि पहले कैशबुक में एंट्री हो जाना, बाद में पासबुक में एंट्री होना, या फिर पहले पासबुक में एंट्री होना और बाद में कैशबुक में एंट्री होने की वजह से दोनों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, अलग अलग बैलेंस शो करने लगता है कैशबुक और पासबुक, और यही डिफरेंस को हम लोग टाइमिंग डिफरेंस का नाम देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैंने प्रस्तुत किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड ऑन 13 सितंबर 2021, रिकॉर्डेड इन द कैशबुक ऑन द सेम डेट, ठीक है। चेक हम लोग जब जमा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैशबुक को बढ़ा देते हैं और चेक कैशबुक में एंट्री करते हैं। तो कैशबुक में जो एंट्री हम लोग करते हैं वो सेम डेट में जनरली कर लेते हैं। जिस दिन जमा किए, चेक का ड्रॉप बॉक्स होता है हर ब्रांच के बगल में, तो उस चेक ड्रॉप बॉक्स में जाकर के चेक जिस दिन डिपॉजिट हुआ, बैंक जनरली उसी दिन क्लियर नहीं करता, दो तीन दिन चार दिन का टाइम ले लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन जमा करते हैं उसी दिन आकर के कैशबुक में एंट्री हो जाता है अपना। तो इन द कैशबुक ऑन द सेम डेट, बट बैंक क्लियर्ड द चेक ऑन 17 सितंबर 2021। लेकिन इमेजिन करिए कि यही चेक बैंक क्लियर किया 17 सितंबर को, यानी कि 4 दिन का गैप हो गया। 13 तारीख को आपने जमा किया, बैंक क्लियर किया इसको 17 तारीख को, तो बैंक का बुक पासबुक में एंट्री आपको दिखेगा 17 तारीख का, लेकिन ये चेक कब का है, ये 13 तारीख का चेक है। आपके कैशबुक में 13 को ही एंट्री हो गया और पासबुक में 17 को एंट्री होगा, तो दोनों का एंट्री का डेट में यहाँ पे 4 दिन का गैप आ जा रहा है, बस समझ रहे। तो इससे क्या हो जाएगा, दिस कैन क्रिएट अ टाइमिंग डिफरेंस, ये इसकी वजह से एक टाइमिंग डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। दिस कैन क्रिएट अ टाइमिंग डिफरेंस फ्रॉम 13 सितंबर, ये टाइमिंग डिफरेंस कब से कब रहेगा, देखिए 13 सितंबर से ये डिफरेंस शुरू हो जाएगा और 17 सितंबर को मैच हो जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर को पोजीशन दोनों का सेम है, कैशबुक भी उसको ऐड कर चुका होगा, पासबुक में भी वो चीज ये जो चेक है वो ऐड हो चुका होगा। तो 17 सितंबर को ये डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, 17 सितंबर को दोनों का दोनों कैशबुक और पासबुक दोनों का पोजीशन सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन 13 तारीख से लेकर 17 तारीख का जो गैप रहेगा ये 4 दिन, ठीक है, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, ये 4 दिन यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद मैंने क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ कैशबुक विल बी मोर, किस तरह का डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेगा। देखिए कैशबुक का बैलेंस यहाँ पे पासबुक से ज्यादा रहेगा ड्यू टू द डिफरेंस। क्यों ज्यादा रहेगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट में लिखवाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, नोट नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस, मतलब ये जो चेक हम लोग जमा किए हैं बैंक में उसका क्या मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया कि कस्टमर को पैसा किसी से मिला, चेक के जरिए मिला। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर थ्रू चेक फ्रॉम अनदर पार्टी, किसी दूसरे पार्टी से उसको चेक से पैसा आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और जब चेक इशूड बाय द कस्टमर बोला हुआ रहेगा तो इसका मतलब आप लोग क्या समझिएगा, इसका मतलब है कि कस्टमर ने किसी और को पेमेंट किया, तो अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू अनदर पार्टी थ्रू चेक। तो ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों, बैंक यहाँ पे सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है, बैंक का खुद का पैसा वो कुछ नहीं, चेक के जरिए नहीं वो दे रहा है या ले रहा है,
वो किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में डाल रहा है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक के जरिए पेमेंट किया, मिस्टर वाई उस चेक को जाकर के बैंक में जमा किया, तो इससे अब बैंक क्या करेगा, देखिए बैंक मिस्टर एक्स के अकाउंट से पैसा को डिडक्ट कर लेगा और मिस्टर वाई के अकाउंट में पैसा को जाकर के क्रेडिट कर देगा, यानी कि ऐड कर देगा। मिस्टर वाई का बैलेंस ज्यादा दिखेगा और मिस्टर एक्स का बैलेंस घटा हुआ दिखेगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो ये होता है सिचुएशन। तो चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या समझना है हम लोगों को, चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या समझना है बच्चों, रिसीव, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर। और चेक इशूड का मतलब क्या समझना है हम लोगों को, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। वेरी गुड। अब देखिए ट्रीटमेंट इन कैशबुक, तो कैशबुक में क्या ट्रीटमेंट करना है, जब आपको कहीं से पैसा आ रहा होगा तो आपका तो बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यू विल हैव टू ऐड ट्रीटमेंट इन कैशबुक, ऐड क्या चीज ऐड करिएगा, चेक डिपॉजिटेड ऐड करिएगा। और चेक इशूड जब बोलेगा तो ट्रीटमेंट इन कैशबुक क्या होगा, माइनस, और चेक इशूड, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर बी, दैट इज एरर्स, जो कि एक दूसरा तरह का डिफरेंसेस है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे।